किडनी फेल होने के बाद किडनी फेलियर पेशेंट के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो डायलिसिस कराए या ट्रांसप्लांट कराए। फ्रेंड, डायलिसिस करवाने के लिए कोई डोनर की जरूरत नहीं होती है, खाली आपके गले में कैनूला लगता है और कैनूले से शुरू में आपके डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, फिर आपके हाथ में फिस्टुला बना दिया जाता है, फिर आपके फिस्टुले से डायलिसिस होते रहते हैं। बस आपको अपने फिस्टुला का ध्यान रखना होता है, फिस्टुला आपका लंबे समय तक चलता रहता है और आपका डायलिसिस आराम से होते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड, डायलिसिस में वो लाइफ नहीं मिल पाती है जो ट्रांसप्लांट में लाइफ मिलती है। फ्रेंड, क्या करवाना बेहतर रहता है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट? फ्रेंड, मैं आज आपको इसका बिल्कुल सही से उत्तर दूंगा कि आपको क्या कराना चाहिए। फ्रेंड, किडनी खराब होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मान लो किसी का किडनी हाई बीपी से खराब हुआ। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा किडनी फ्रेंड जो एमपीजीएन एक रोग होता है उसकी वजह से खराब हुई थी। तो मुझे बचपन से ही एमपीजीएन था और फिर मेरी किडनी खराब हो गई। मेरी मदर मुझे किडनी दे रही थी। फ्रेंड, मैंने डॉक्टर से इतनी कम उम्र में भी पूछा उनसे मैंने कि सर क्या ये बीमारी मुझे दोबारा तो नहीं आ जाएगी किडनी फेल होने के बाद, क्योंकि फ्रेंड मैं आर्टिकल शुरू से पढ़ता था, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एमपीजीएन होता है वो ट्रांसप्लांट किडनी में दोबारा से वापस आ जाता है, एक साल दो साल बाद फिर से किडनी वो फेल हो जाती है और प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया था कि 40% चांस होते हैं आने के, अगर आपको एमपीजीएन है तो आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ट्रांसप्लांट किडनी में जो किडनी ग्राफ्ट की गई है आपको उसमें एमपीजीएन दोबारा से 40% चांस होते हैं आने के। तो मैंने बोला फिर सर फायदा क्या ट्रांसप्लांट कराने का? उन्होंने मुझको बोला कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आपको हम दवाई देकर के आपका प्रोटीन लॉस रोक लेंगे जिससे आपकी किडनी डैमेज नहीं होगी। मैंने बोला ये सब बेकार की बातें हैं, अगर वो आ गया तो फिर कुछ नहीं रुकने वाला, जैसे आप पहले नहीं रोक पाए वैसे अब नहीं रोक पाओगे और मेरी किडनी फिर से खराब हो जाएगी और मेरी मम्मी भी किडनी की हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैंने ना ट्रांसप्लांट कराने से मना कर दिया था। आज भी सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है, मेरी मम्मी के और मेरे सारा हमारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जितना भी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में बस डेट मिलने वाली थी, तभी मेरे दिल में ये सवाल बहुत रहा था क्योंकि मैंने आर्टिकल शुरू से पढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, बिल्कुल सही सही जवाब दिया और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मैं जल्दी डॉक्टर से भी आपको मिलाऊंगा, उनका भी मैं वीडियो डालूंगा और आप वहां जा भी सकते हैं दिखाने के लिए, वो आपको बिल्कुल सही सही जानकारी देते हैं। इंडिया बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है वो और मैं जल्दी ही आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, ट्रांसप्लांट आप जब कराएं या तो आपकी किडनी हाई बीपी से खराब हुई है तो, या अगर आपकी किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहा है या एमपीजीएन रहा है या नेफ्रॉन से जुड़ी कोई भी बीमारी आपकी किडनी में रही है तो फ्रेंड ये कराना ठीक नहीं होता है। अगर हाई बीपी भी है तो भी अपने डॉक्टर से पूछ ले कि आपको कल ट्रांसप्लांट कराने के बाद तो प्रोटीन ही आने लग जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये तो जिंदगी है, कोई भी एकदम फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन फ्रेंड अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करके ही कोई काम कराएं। फ्रेंड, एक विश्वास जो होता है ना का अलग बात होती है, वो विश्वास जो आता है निकल करके।